मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। यू ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पेश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य प्रतिदिन साधना न्यूज पर, विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। तो नहीं बेटे। दीदी, क्या बनाओगी? चने। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। भारत समेत पूरी दुनिया ने बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस को धूमधाम के साथ मनाया, कई रिकॉर्ड भी बनाए गए। बावजूद इसके हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जमकर राजनीति हो रही है। तमाम पार्टियों के नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। एक ओर जहां लालू प्रसाद यादव इसे बीजेपी का राजनीतिक योग दिवस बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को तमाशा बता रहे हैं। आज हम वंदे मातरम में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार हमारे देश में योग पर राजनीति क्यों हो रही है। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं संजीव अरोड़ा, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी नेता हैं। इसके अलावा अमरीश रंजन पांडे हैं, प्रवक्ता एनएसयूआई। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जफरयाब जिलानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी से हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजनीति। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और संघ नेताओं पर ली चुटकी, कहा बीजेपी कर रही है राजनीतिक योग। नीतीश कुमार ने भी साधा निशाना, कहा मोदी सरकार ने प्रचार के लिए कराया योग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी योग के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। तो पूरा देश योग के रंग में रंगा हुआ है, लेकिन हमारे देश के नेता इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मुकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेसिडेंट एडिटर हैं हमारे चैनल के, उनसे भी हम हर एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर। अरे साहब, अमित शाह का सुना कहाँ कर पाए, पेट में बहुत चर्बी हो गया अमित शाह का। ये तो ढोंग ही सब है, ढोंग करता है। जो आश्वासन दिया उस मोर्चा पर सब फेल हो गया, तो सब डाइवर्ट करता रहता है। अब ये बोलेगा तंत्र मंत्र का पढ़ाई किया जाएगा स्कूलों में, कभी योग का बात, मतलब लगता है कि कहाँ से योगी सब उतरा हुआ है। ये सब फजूला सब बात, ये सब नाटक है, सब छगों का खेल है। तो कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, कोई कह रहा है पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, और कोई कोर्ट में जाने की बात भी कह रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जफरयाब जिलानी, सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के। सर, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी कार्यक्रम की। सबसे पहले मैं आपसे ये जानूंगी आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, भारत एक सेकुलर स्टेट है, उसका एक संविधान है, और संविधान के अनुसार एक सेकुलर स्टेट में
सरकार किसी एक धर्म विशेष का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकती है, और ये एक धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने का प्रोग्राम हो रहा है तो जाहिर है कि एक असंवैधानिक कार्य हो रहा है। शासन को यह करने का अधिकार नहीं है कि वो योग जो एक हिंदू धर्म से की एक पद्धति है उसके और प्रचार प्रसार के लिए इतना कुछ खर्च करे। लिहाजा हमारा इतराज ये है कि एक सेकुलर स्टेट में इस किस्म का कोई कार्य शासन के द्वारा हुकूमत के द्वारा नहीं किया जा सकता है, और जो किया जा रहा है वो असंवैधानिक है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ हमारे देश में हजारों साल से काम हो रहा है योग का, वॉलंटियरली करने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष का कोई कार्य करना, चाहे ओम करवाना या सूर्य नमस्कार करवाना, ये भारत के संविधान के सेकुलर नेचर के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में एसआर मुंबई के केस में और दूसरे केसेस में कह चुका है कि अगर ऐसी कोई सरकार कार्य करती है जो संविधान के सेकुलर नजरिए के सेकुलर ढांचे के खिलाफ है तो उस सरकार को रहने का हक नहीं है। जिनानी साहब, ये जो आप आपत्ति उठा रहे हैं ये पहले दिन से आपत्ति उठाई जा रही है सूर्य नमस्कार और ओम के उच्चारण को लेकर के, और इस पे सफाई भी पेश की जा चुकी है। सूर्य नमस्कार को अलग कर दिया गया है और ओम के उच्चारण पे पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं लोग, वो चाहे तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं या दूसरे किसी भी शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, अल्लाह का नाम ले सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से आपने कहा कि भारत में सरकारी आयोजन में नहीं होना चाहिए, संविधान ये कहता है कि किस सरकार किसी धर्म को जो है वो आगे जाकर के प्रचारित प्रसारित नहीं करेगी, इस बात को मानते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया है और देश के 47 मुस्लिम कंट्री ने इसे अपनाया है। क्या मुस्लिम देश जो 47 हैं वो जब इसे अपना रहे हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, फिर अपने देश में आपको क्यों आपत्ति हो रही है? हमारे देश में जो धर्म है उसकी आजादी हमको हासिल है, हम किसी दूसरे देश के जरिए थोड़े ले रहे हैं। ये भारत के संविधान ने हमको आजादी दी है और भारत के संविधान ने कहा है कि इस देश में सरकार किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगी। जो ये पाबंदी भारत में लगाई गई है, ये पाबंदी अमेरिका में है कि नहीं हमें नहीं पता। ये प्रचार प्रसार तो नहीं हो रहा है ना, ये तो इसमें सफाई दी जा चुकी है सरकार की तरफ से। भारत का संविधान जो पाबंदी लगाता है, भाई आप जो कह रहे हैं हम सहमत हैं उस बात से, संविधान की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सरकार कोई प्रचार प्रसार तो नहीं कर रही है। सूर्य नमस्कार को पहले ही अलग कर दिया गया है। अगर यूनाइटेड नेशन का कोई भी रेजोल्यूशन भारत के संविधान के विपरीत जाता है तो आपको भारत का संविधान मानना होगा, यूनाइटेड नेशंस का संविधान नहीं माना जाएगा। नहीं, ठीक है, संविधान को सब मान रहे हैं और यही वजह है कि सूर्य नमस्कार को अलग कर दिया गया है और ओम शब्द के उच्चारण को लेकर के जो है एक स्वतंत्रता दी गई है, व्यक्ति चाहे तो चुप भी रह सकता है। कोई प्रचार प्रसार भारत की कोई सरकार नहीं कर सकती है। सरकार ने ये अब छूट दी है ओम के उच्चारण को लेकर के, कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आप ओम का उच्चारण करें और सूर्य नमस्कार को पहले ही अलग कर दिया गया है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप छोड़ दीजिए संविधान, आप संविधान में बदलने की हैसियत न हो तो बदल दीजिए उसको आप। अरे बदलने की बात कहां आ रही है जिलानी साहब, ये धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है या नहीं हो रहा है उसी पे बहस है। ये धर्म का प्रचार तो हो नहीं रहा है, सरकार का कहना है, सरकार का कहना है कि हमने सूर्य नमस्कार को अलग कर दिया है, ओम के उच्चारण पे पूरा फ्रीडम दिया है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं अगर मर्जी है तो आप नहीं कीजिए, कोई बाध्यता नहीं है इसमें। हमको इसकी गुजाइश है। और दूसरी बड़ी बात बता दी, इसे व्यायाम की तरह लिया जा रहा है, बिल्कुल इसे एक्सरसाइज की तरफ तरीके से लिया जा रहा है। हमारे साथ एनएसयूआई के प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे हुए अमरीश रंजन पांडे जी। अमरीश जी, आप क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से जफरयाब जिलानी साहब कह रहे हैं कि इसे बैन करना चाहिए और ये संविधान के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, आपकी पार्टी के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं, तमाशा बता रहे हैं, इसे क्या कहेंगे आप? जफरयाब जिलानी के साथ आप जाना चाहेंगे या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योग के रूप में आप समर्थन करते हुए इस आयोजन पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? इस पार्टी का जो अधिकृत बयान है उसने योग दिवस का स्वागत किया है, ठीक, पर जिस तरीके से इस योग दिवस को भारत में मनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ज्वलंत मुद्दे, करप्शन के चार्जेस जो लगे हैं बीजेपी के ऊपर, चाहे वो वसुंधरा राजे का मामला हो, सुषमा स्वराज का मामला हो, या भूमि अधिग्रहण बिल में जो जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाया जाए, उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। मोदी सरकार एक प्रकार की इवेंट करती है, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मेरी बात सुन लीजिए, अब बस मेरा इतना सा
छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि ये हमारे देश का कोई छोटा सा इवेंट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल डे है और आप इस पर इतना विरोध नहीं कर सकते। अगर इंटरनेशनल देखिए योगा योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब मुझे समझाइए। योग में कहीं भी देखिए मैं पतंजलि योग से लेकर संपूर्ण फिलोसफरों को मैंने पढ़ा है जो जनक रहे, हजारों साल पुरानी यह सभ्यता है हमारी योग, अब संपूर्ण विश्व में पहले से फैली हुई है, आज नहीं फैलाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सुनिए इंदिरा गांधी से लेकर पीवी नरसिंह तक करते थे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप जो कह रहे हो सहमत हूँ, लेकिन ये हमारी परंपरा होने के बावजूद इसका श्रेय हमें नहीं मिला था। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अगर यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है तो भारत, मैंने क्या बोला पहले, कांग्रेस पार्टी इस योग दिवस का स्वागत करती है, पर इस पे जो ड्रामेबाजी, इस पे जो हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, एक आपको बताना चाहूं, जो हमारा योग मंत्रालय आयुष है उसका बजट कांग्रेस की जो लास्ट यूपीए गवर्नमेंट की लास्ट साल थी उसमें 1272 करोड़ थी, उसका बजट इस सरकार ने आते ही 318 करोड़ कर दिया। एक तरफ योग की बात बढ़ाने की बात करें, दूसरे योग के लिए जो बजट है उसको आपने मतलब वन तिहाई भी नहीं रहने दिया। नहीं अमरीश जी, आप ये राजनीति आप ये बताइए, राजनीति ना कहे तो क्या कहेंगे, बताइए आप। एक चीज मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ, अगर यूपी के कार्यकाल में ऐसा हुआ होता, इंटरनेशनल डे डिक्लेयर होता योगा को, तब भी क्या आप एक छोटा सा आयोजन कर देते, तब भी क्या आप इसी तरह आपको मैंने क्या बोला योगा का स्वागत नहीं मिला, क्रेडिट आपको मिलता तब शायद आप बिल्कुल ऐसा नहीं करते। आपको क्या बोला मैंने कि हमारी सरकार न कभी भी दिखावे की सरकार में विश्वास नहीं करती है, और हमने क्या बोला योग का स्वागत करते हैं, योग के नाम पे जो इवेंट हो रहा है, ज्वलंत मुद्दे जो करप्शन के चार्ज, अभी दो मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, उसके उस पर एक बयान नहीं आता है प्रधानमंत्री का, पूरे के पूरे बीजेपी योग के माध्यम से लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, ये डाइवर्जन इसके पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश। अमरीश जी 21 तारीख का तो निकल गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है बीत गया है, उसके बाद ये आप इस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग भी कहीं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो जो इवेंट है वो निकल गया, अब आप आ सकते हैं उस मुद्दे पे, उस मुद्दे पे हम अडिग हैं, अब अभी भी अडिग हैं और हम लड़ रहे हैं उस मुद्दे पे। विरोध जो हो रहा है, देखिए अब आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ रामानुज प्रसाद भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे, उन्होंने जो आपत्ति जताई है, लालू यादव जी ने जो आपत्ति जताई है कि योग के प्रति इनका प्रेम होता है तो इनके तोंद नहीं, इनकी चर्बी नहीं होती, ये चीज इस तरह की कि आप आपत्ति जो जता करके आप लोग राजनीति कर रहे हैं, और आपने कहा कि तमाशा कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि तमाशा हो रहा है, ये तमाशा आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे अगर भारत को रिकॉग्निशन मिल रहा है, अगर भारत की पहचान बन रही है तो इतना इवेंट करना जरूरी था? भारत की पहचान सिर्फ आज मिली है, विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था एशिया में दूसरे नंबर पे, आज मिली है मोदी जी के आने से, मोदी जी के आने से तो महंगाई कम नहीं हो पाई है, मोदी जी हमारे देश को कहां बढ़ाएंगे, हमने विश्व में एक स्थान पहले ही अपने आप को स्थापित किया है, एक व्यक्ति विशेष को क्रेडिट कर दिया जाए। आप योग हमारे देश की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हम काफी जमाने से योग करते आ रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट भारत को नहीं था और यही काम कराया है मोदी ने, और इसीलिए इसको स्वागत किया जाना चाहिए, और ये आपके नेता भी कर रहे हैं। आप इसमें एक व्यक्ति विशेष को इतने तवज्जो नहीं देना चाहिए, योग के लिए हजारों गुरुओं ने संपूर्ण विश्व में भ्रमण किया, बुद्धा से लेकर जाना चाहिए, आज हमारे देश से बुद्धिज्म कहां कहां फैला, उन चीजों को अब दरकिनार करके एक दो जुम्मा जुम्मा दो दिन हुए सरकार प्रधानमंत्री बने हुए, उनको सारी चीज की उनको ही आप मुद्दे को पूरी तरह से भटका रहे हैं, आप बस हमारे सवालों का जवाब दीजिए, तैयार हूँ देने को, तब आप क्या करते, आप ये बताइए योग पर राजनीति क्यों हो रही है, योग को आप एक आपका व्यक्तिगत फायदा होगा उससे, सुनिए ना, अगर आप योग कर रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत फायदा होगा, आप क्यों इस मुद्दे को भटका रहे हैं, क्यों नहीं योग को सम्मति दे रहे? श्रेया जी योग का मतलब होता है सादगी, तो क्यों नहीं आप क्यों नहीं इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, सादगी से अपने आप को रखना, यहाँ पे इसको एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में यूज किया जा रहा है, योग सब व्यक्ति करते हैं, घर में कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे, मोरारजी देसाई करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी करती थी, पीवी नरसिंह राव करते थे, उन्होंने इसका पब्लिसिटी साहब के पास जाएंगे, जिलानी साहब के पास जाएंगे, जिलानी साहब जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि ये नाटक कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा कि नौटंकी की जा रही है और झूठ मूठ का प्रदर्शन किया जा रहा है और किसी एक आदमी को की बात को आगे रखने की कोशिश की जा रही है योग के माध्यम से, आपने बैन लगाने की बात की है क्या, और दूसरी तरफ जो साध्वी हैं बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे बैन लगा देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए कोई बैन कोई सरकार लगाती है
साध्वी प्रज्ञा कोई सरकार नहीं है। अगर मोदी जी ये बात कहें, राजनाथ जी ये बात कहें तो कुछ समझ नहीं आती है। आप साध्वी प्रज्ञा के कहने पर मेरा क्यों कमेंट्स ले रहे हैं? सरकार को बैन लगाना हो वो हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार बैन लगाए, उसके बाद हम इसको देखेंगे क्या उसका बैन का ऑर्डर क्या रीजन है। हम किसी साध्वी के बयान के बारे में क्या कह सकते हैं? दूसरे ये कि आप, मैं ये बैन लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ योगा पर, आप गलत इसको कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि असंवैधानिक किसी धर्म के प्रचार का प्रसार का कार्य सरकार नहीं कर सकती है, वो असंवैधानिक है। नहीं, असंवैधानिक के सरकार आपकी बात को, आपकी बात को तो मान रही है सरकार, पहले से आप कोई पहला व्यक्ति नहीं है जो इस बात को लेकर के आपत्ति जताई है। इससे पहले भी आपत्ति जताई है लोगों ने, उसके बाद ही सरकार ने सूर्य नमस्कार के उच्चारण पे जो है अपने गाइडलाइंस जो है उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा सूर्य नमस्कार जरूरी नहीं है कि सबको काम नहीं कर सकते, सूर्य की तरफ आप सूर्य की तरफ पीट करके भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, फायदा उतना ही होगा। कांग्रेस के लीडर कोई भी पार्टी के लीडर कर सकता है, प्राइवेटली किसी को इतराज नहीं है। और हमारे गुरुओं ने योग के जो सारी दुनिया में फैलाया, वॉलंटरली फैलाया था, उन्होंने सरकार की ओर से नहीं फैलाया था। ये काम सरकार की ओर से करने का नहीं है, क्योंकि उसमें एक धर्म विशेष का मिश्रण होता है। धर्म विशेष की हमारी सरकार जो सेकुलर सरकार है, सेकुलर संविधान के तहत है, वो नहीं कर सकती इस कार्य को। ये यही विडंबना है हमारे देश में। तो आपके हिसाब से तो आयुष मंत्रालय को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो इसी तरीके का काम होता है। भारतीय संस्कृति और पुरानी जो अपनी परंपरा है उसी को बढ़ावा दिया जाता है, सरकारी मंत्रालय है, तो आपके हिसाब से मंत्रालय भी बंद होना चाहिए? संस्कृति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। हिंदुस्तान के संविधान ने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, कल्चर कहा है आर्टिकल 29 में और धर्म कहा है आर्टिकल 25 में। लिहाजा भारत का संविधान बहुत बिल्कुल क्लियर है कि धर्म क्या है, संस्कृत क्या है। सांस्कृतिक कार्य बिल्कुल होते रहना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक कार्य का मतलब नहीं, नहीं है ओम के बिना संस्कृत अधूरा है। संस्कृत में ओम से ही शुरुआत होती है हर एक श्लोक। संस्कृत का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, उसको कल्चर कहते हैं, इसको रिलीजन कहते हैं। जी जिलानी साहब हमारे साथ बने रहिएगा, जो भारत का संविधान है बहुत क्लियर है उसके लिए। जिलानी साहब हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ रामानुज प्रसाद जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है रामानुज जी आपका वंदे मातरम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आखिरकार योग को लेकर इतना ऐतराज क्यों? देखिए, योग का विरोध नहीं हो रहा है, योग के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की प्रवृत्ति और चरित्र का, उनका चाल चरित्र चेहरा जो उजागर हुआ है, जो उन लोगों ने घोषणा करी थी और राज्य के लोगों और देश के लोगों को जो बगड़ाने का काम किया था, झूठे वादे हुए थे, जब उसमें असफल हो रहे हैं उन वादों को पूरा करने में, तब योग के नाम पर या बहुत सारे इनके साक्षी महाराज कुछ कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ कर रहे हैं, इनके मंत्री कुछ कर रहे हैं। ये बातें अभी जो प्रकरण आए हैं, ललित मोदी प्रकरण, इसको कवर करने के लिए ये हो रहा है, समझे कि नहीं? तो ये जो मैं नहीं समझता कि ये 1.25 अरब देश के प्रधानमंत्री को इतना समय होना चाहिए। वह मिनट टू मिनट प्रोग्राम गाइड होता है, हम लोग भी राजनीति के व्यक्ति हैं, तो ये हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी जो ड्रामा कर रहे हैं, जो उनके एक्ट हो रहे हैं, या तो विदेश में घूम रहे हैं या देश में आ रहे हैं, तो देश के लोगों को माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो चलने वाला नहीं है। सच्चाई सामने आई है और इसलिए हम लोग इसका, इनके जो करतूत हो रहे हैं, इनके चरित्र हो रहे हैं, उसका उजागर कर रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनके एक्ट, उनको कितना राष्ट्रीयता की बात करने वाले लोगों को कितना राष्ट्र प्रेम है। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज से मुंह पोंछते हुए दिख रहे हैं, राष्ट्रीय उनके पैर के तले राष्ट्रीय ध्वज जो है दबा हुआ है। ये हमारे सामने एक हमारे भाई हमको अभी सामने ये दिखला रहे हैं। रामानुज जी, वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, वो तिरंगा है, उसमें चक्र नहीं बना हुआ, झंडा नहीं है अपना, और वही कांग्रेस भी यूज करती है। वो एक स्टॉल है लिखा है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम इस पर बात नहीं करेंगे रामानुज जी। अभी हम बात करेंगे आपके नेता लालू प्रसाद यादव जी ने जो फोटो जारी किया है, बीजेपी के नेताओं के, आरएसएस के कुछ नेताओं के, जो जिसमें तोंद को दिखाया गया है खास तौर पे, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग, अब जब 21 जून को जब माननीय नीतीश का है, लालू प्रसाद जी ने भी कहा है कि जो लोग बात कर रहे हैं तो इनके पहले भी चरित्र उजागर होते रहे, कथनी और करनी में इनके सामंजस्य नहीं है। ये बातें पहले भी छन की आती रही है और इस बात को आप देख रहे हैं कि दूसरे को योग की, योग तो जोड़ने का चीज है, ये तोड़ने वाले लोग हैं। तो ये अमित शाह जी का जो फिजिक है, जो अपीयरेंस है, वो तो कहीं किसी योगी का नहीं है। योग और योगी में फर्क होता है रामानुज जी, का शरीर तो नहीं। योग और योगी में फर्क होता है, योग कोई भी कर सकता है, योगी सब नहीं बन सकता योग करके। तो ये भी तो
ये भी तो आपका कंसेप्ट है, वही गलत है, योग करने वाला योगी नहीं होता। नहीं नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट है कि योग आयुष का एक पार्ट है। हमारे पुरखों ने इसको मन को शरीर को स्वस्थ करने का एक माध्यम माना था। इसको राजनीति का माध्यम बनाने का, इसके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का कभी और कतई बर्दाश्त करने वाला ये नहीं है। नहीं तो रामानु जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं वही आरोप आप पे भी लग सकता है, वही बात आप पे भी लागू होती है। 21 जून से पहले ये राजनीति शुरू हुई थी, 21 जून को ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उस 21 जून के बाद भी आप लोग उसी तरीके की बयानबाजी करते रहे। हाँ, हमारे हमारे लोगों का बयान देख लीजिए, हमारे लोगों का बयान कभी भी आएगा तो हम गाँव गरीब किसान मजदूर की बात करेंगे, हम अडानी की बात कभी नहीं करते, हम ललित मोदी की बात, हमारे लोगों का जुड़ाव ललित मोदी से नहीं होता, हमारे लोगों का जुड़ाव अंबानी से नहीं होता। रामानु जी, एक और सवाल मैं आपसे बढ़िया करेंगे, गांव गरीब पिछड़ा दलित अकलियत की बात करते हैं जी, एक आखिरी सवाल, गांव बनाने वाले लोग हैं, स्मार्ट सिटी वाले नहीं है। रामानु जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, तकलीफ किस बात की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लिया और उसका पूरा क्रेडिट उन्हें मिल गया, इस बात की तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है? He has to deliver. जी, ये कोई नहीं है, ये जो कहता है वो डिलीवर करना है उनको, ये इसमें लोगों का माइंड सेट उनको पढ़ना होगा, वो डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं इंडियन पीपुल्स का माइंड को। जी, पकड़े गए हैं। ठीक है, बीजेपी के नेता नहीं करते हैं योग, या वो नाटक कर रहे हैं, योग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, योग अगर अच्छी चीज है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था तो आपके राज्य में सरकारी कार्यक्रमों में इसे क्यों अलग किया गया, आप लोगों ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? नहीं, हम लोग तो रोज घर में योग करते हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं करते, नाटक नहीं करते। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरा फिजिक देख लीजिए। बिल्कुल, आप योग करते हैं, आपको देख के भी लगता है, आपसे मिला हुआ भी मैं, आप सही में योग करते हुए व्यक्ति नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी आयोजनों से योग को अलग रखा गया बिहार में, वो उसमें प्रश्न चिन्ह है। जो गंगा जी अपनी तहजीब है, हमारा जो एडॉप्टेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल एडॉप्टेशन, नहीं तो आपको जो आपत्ति लालू जी ने दूसरे नेताओं के प्रति की है, आपको अपने नेता को ही बताना चाहिए। रामानुज जी, कंट्री में जो हमारा ये आइडेंटिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसको ध्वस्त करने का ये है। ओबामा जी को आके हमारे यहाँ सीख देना पड़ता है, भोज खा करके भी ओबामा जी गाली देके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रामानुज जी, आपसे आगे ही बात करेंगे। आप तो योग करते हैं, आपका फिजिक भी मैंने देखा है, काफी चुस्त दुरुस्त हैं आप, लेकिन आपके नेता वैसे नजर नहीं आते हैं। आप अपनी नेता को भी सलाह दें कि योग करें, शायद वो आपकी तरह चुस्त दुरुस्त नजर आए। तो केसी त्यागी जी का रुख कर लेते हैं, स्वागत है केसी त्यागी जी आपका भी वंदे मातरम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक सरकारी आयोजन था, इसमें वाइस प्रेसिडेंट को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने आज वक्तव्य दिया है कि योग राष्ट्रीय राष्ट्रवाद कल्चरल नेशनलिज्म का प्रतीक है। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी और ये विशुद्ध आरएसएस का प्रोग्राम है, लेकिन किस तरह से समूचे देश को और समूची दुनिया को इसको स्वास्थ्य से और संस्कृति से जोड़ करके भ्रमित किया गया, उसका रहस्य उद्घाटन आज श्री अडवाणी जी ने किया है। त्यागी जी, 192 देशों में योग दिवस मनाया गया, बिहार में क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमामयी उपस्थिति को जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया गया था, जिस तरह से इसका राजनीतिकरण किया गया था, उसके प्रतीक के विरोध के रूप में ही काम हुआ। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो उन्होंने इसे घोषित किया है, इंटरनेशनल डे तो वहीं से घोषित किया, तो फिर आपत्ति किस बात की है? भारत में क्यों नहीं मनाया गया, बिहार में क्यों नहीं मनाया गया? योग के कोई खिलाफ नहीं है, योग एक जीवन पद्धति है, योग से स्वास्थ्य भी ठीक होता है, दिमाग भी ठीक होता है, तंदुरुस्ती भी ठीक होती है, और खास तौर से जो ज्यादा फैटी लोग हो गए हैं उनके लिए तो ये अच्छी दवाई के तौर पर है। लेकिन डे वन से ही कभी सूर्य नमस्कार इसके साथ करना है, तो ये हमारी हिंदुओं की पद्धति है सूर्य नमस्कार, कभी ओम का उच्चारण करना है तो आर्य समाजी परिवार।
हमारे साथ अमरीश रंजन पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, अगर मैं आपका रुख जानना चाहूं, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड से लेकर रोनाल्ड, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हर कोई योगा के समर्थन में है, तो आपको ऐसा क्या हुआ कि जंतर मंतर पर जाने की नौबत आ गई? आपको तो अगर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सोचे तो आपको तो राजपथ जाना चाहिए था। आपने शायद रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हमारे कम्युनिकेशन हेड हैं उनका प्रेस रिपोर्ट नहीं पढ़ा है। जी, प्रेस रिलीज में हमने पूरे तरीके से लिखा कि हम योग के विरुद्ध नहीं है, हम विरुद्ध हैं उसके आडंबर के, उसके आड़ में जिस प्रकार की कुछ गंदी राजनीतियों को, करप्शनों को छुपाया जा रहा है उसके विरोधी हैं। आपने कुछ देर पहले पूछा था तकलीफ किस बात है, तकलीफ इस बात से है कि प्रधानमंत्री किसानों के आत्महत्या पे बयान नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के रेजिग्नेशन नहीं ले रहे हैं, उन मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सिर्फ योग के आड़ में इन मुद्दों को लोगों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अंग्रेजी में आपकी बात से सहमत हूँ, हो सकता है सरकार का ये, और दूसरी चीज अच्छी में हो सकता रोज हो योग सकता को बीजेपी की संपत्ति न बनने देंगे हम, अन्ना ये बीजेपी की संपत्ति है। हमारे साथ साध्वी प्राची जुड़ चुकी है फोन लाइन पर, स्वागत है प्राची जी आपका वंदे मातरम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, योग दिवस भले ही ठीक ठाक तरीके से निपट गया लेकिन उस पर राजनीति अभी भी नहीं थमी है। देखिए ना, ये किसी धर्म संप्रदाय से नहीं, योग प्राचीन पद्धति है, महर्षि पतंजलि की देन है। और अगर कोई इसका विरोध करते हैं तो कोर्ट में छोड़, चाहे जहाँ चले जाए, पाकिस्तान में चले जाए, क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अरे तुम अपने खुदा का नाम ले रहे हो, हम अगर अपने भगवान का नाम ले रहे हो तो मतलब तुम अपने खुदा का नाम ले लो, उसमें कोई मना कर रहा है कि तुम खुदा का नाम मत लो, गॉड का नाम मत लो? प्राची जी हमारे साथ एनएसयूआई के अमरीश जी, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। अमरीश जी, बीजेपी का बयान आ गया है और आप मतलब इसकी अपनी राय रखें कि वो चाहते क्या है, उनकी विचारधारा क्या है और योग के पीछे, योग दिवस के पीछे की मंशा क्या है, वो मोहतरमा ने सबके सामने रख दिया। आपका ये भी कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उस पर बैन कर दिया जाना चाहिए, आपका बयान आया था, किस आधार पर आप बैन करना चाहती हैं उसको? ऐसे लोगों का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। योग के ऊपर राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, अपने राजनीति चमकाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए। अरे योग तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए है, मन को स्वस्थ करने के लिए है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए तो विपक्ष ही कह रहे हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी छवि चमका रहे हैं। तो विपक्षी अब तक सत्ता में रहे 60 साल तक, उन्होंने क्यों नहीं अपनी छवि बनाई इस तरह की? उन्होंने क्यों नहीं योग पर काम किया? उन्होंने क्यों नहीं इस तरह से, क्या नाम, आयुर्वेद पर, योग पर काम किया? उन्हें करना चाहिए था, क्यों नहीं किया उन्होंने? विपक्षियों ने 60 साल तक केवल सत्ता में बने रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे, देश को लूटते रहे, यही काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साध्वी प्राची हमारे साथ जुड़ी थी और इसी के साथ इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को कार्यक्रम में ना बुलाने पर, उनकी गैर मौजूदगी पर बीजेपी नेता राम माधव ने सवाल उठाए हैं। राम माधव जी ने जो सवाल ट्वीट के जरिए उठाया था वो था हामिद अंसारी चूंकि नहीं आए थे इसको लेकर के किया था, और राज्यसभा टेलीविजन पे इसके प्रसारण नहीं होने की बात उन्होंने कही थी। हालांकि इस पे बाद में उन्होंने माफी मांग ली क्योंकि हामिद अंसारी प्रोटोकॉल के तहत वहां पे नहीं आए थे और राज्यसभा टेलीविजन में इसका प्रसारण किया गया था, इसका लिंक भी उन्हें भेज दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट को वापस लेते हुए माफी मांगी थी और मुझे लगता है कि इस विवाद को यहीं पे खत्म करने की अपील की है हामिद अंसारी के कार्यालय से, उपराष्ट्रपति साहब के कार्यालय से ये बात की गई है कि इस पे अब आगे बात नहीं जानी चाहिए। तो इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह से भी बातचीत की गई है हमारे संवाददाता की ओर से, आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। इंटरनेशनल योगा डे पर 35,000 से ज्यादा लोग योग कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, और ऐसे में भारत के उपराष्ट्रपति को ना बुलाना, आइए हम इस पर बात करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपीएन सिंह जी हमारे साथ हैं, सर क्या कुछ कहेंगे भारत के उपराष्ट्रपति? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि राम माधव जी को माफी मांगनी चाहिए उपराष्ट्रपति जी से। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा था, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से उस दिन भी अलग नहीं हो पाती है, इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी। इनकी मानसिकता जो है, योग सबके लिए इस देश में सदियों से मनाया जा रहा है, सबके लिए है, सबका फायदा इससे है, पर उनकी मानसिकता इसमें भी, योग में भी वो राजनीति लाना चाह सकते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति।
सर, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक में दर्ज हुए, लेकिन ऐसे में कुछ प्रदेश थे जहां पे आधिकारिक रूप से योगा नहीं आयोजन किया गया, चाहे हम बिहार की बात करें या और जगह की। स्पीकर, देखिए ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, हमने पहले कहा है कि योगा एक ऐसी चीज है, इस परंपरा इस देश की रही और कई सदियों से रही है, तमाम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, परंतु जब इसमें राजनीति जुड़ी जाती है, योगा सबके लिए है और सबका है, पर उसमें जब आपने मानसिकता, राम माधव जी जब ट्वीट करते हैं तो मानसिकता राजनीति योग में भी लाने लगेंगे तो उसका मतलब, मुझे लगता है जिस तरीके से राम माधव जी ने ट्वीट किया था, उन्हें प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं थी शायद, मुझे लगता है आरपीएन सिंह जी को भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भी राजनीति की बात की, क्योंकि हामिद अंसारी को वहां पर नहीं बुलाना, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाना वहां प्रोटोकॉल के तहत था, और राम नाइक जो कि आयुष मंत्री, उन्होंने साफ कर दिया है इस बात को कि जहां पर प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट होते हैं वहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है प्रोटोकॉल के तहत। तो मुझे लगता है कि इस बात को हम लोगों को यही समाप्त करना चाहिए और इस पर डिस्कशन नहीं करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमारे पास, मैं अपने टीम से कहूंगा कि अगर श्रीपद नाइक की बाइट है तो वो एक बार सुना दें दर्शकों को। तो गौरव की बात है कि जो इंटरनेशनल योगा डे का समारोह हो गया, अच्छी तरह हो गया, सभी तरह से, कहाँ भी छोटी मोटी बातें ऐसे नहीं रही, एकदम बढ़िया तरीके से हो गया है। और हमने जो दो मुद्दे के ऊपर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो मांगा था, वो दोनों भी कल शाम को हमें हाथ में, हमें सर्टिफिकेट उसकी मिली है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मुकर्रम शाही इमाम हैं फतेहपुर के, स्वागत है आपका भी वंदे मातरम में। योगा को लेकर जो सियासत हो रही है, योगा डे निकल चुका लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए ये तो सियासी मुद्दा है और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो सियासत ही करते हैं, जिन्होंने योगा का दिवस मनाया वो भी राजनीति कर रहे हैं और जो उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। तो जो भारत के असल मुद्दे हैं उनसे नज़र हटाने के लिए और जनता की तवज्जो उधर से हटाने के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अपने अंदर योगा में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका इतना बड़ा दिवस मनाया जाए या उस पर कोई राजनीति हो, एक छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मुद्दे नहीं होते और सरकार परेशान होती है तो वो इधर उधर के मुद्दे लेके और वो चाहती है कि जनता को उलझाए रखे, तो मुझे तो ये लगता है कि हर तरफ से राजनीति हो रही है और इसके अंदर सच्चाई। लेकिन यूएन ने इसे मंजूरी दी है, यूएन ने घोषणा की है कि योगा दिवस को मनाया जाए, 21 जून के लिए तारीख रखी गई, ये भारत के लिए गौरव की बात है, तो फिर इसमें गुरेज किस बात का? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि यूएन ने मान्यता दी है और ये भी बहुत अच्छा है कि दिवस मनाया जा रहा है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जैसे और दिवस मनते रहते हैं, कभी कभी ये एक दिवस ये भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जिस तरह से राजनीति हो रही है ये एक अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो असल मुद्दे हैं भारत के, जो विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, या कुछ ऐसे लोगों का साथ देने का मुद्दा है कि जिनको साथ नहीं देना चाहिए, तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए या तवज्जो हटाने के लिए ये योगा दिवस को इतने बड़े पैमाने पर मनाया गया। हालांकि योगा दिवस तो अलग अलग तौर से भी मनाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल जो बात हो गई सो हो गई, लेकिन हम यही मानते हैं कि इस पे अब ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या जो योगा अभी हो रहा है आगे भी ऐसे ही योगा होता रहेगा, या फिर जो दूसरी योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जाती हैं वो उनकी तरह इनका हर्ष नहीं होगा, इस पर मैं आपका आखिरी कमेंट? मुझे तो यही लगता है कि योगा दिवस मना लिया, बस मना लिया, और आगे इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, सरकार भी तवज्जो नहीं करेगी, राजनीति तो अभी बहुत देर चलती रहेगी, जब पार्लियामेंट का स्तर शुरू होगा तब असल राजनीति होगी और उसके बाद ये तो राजनीति चलती रहेगी। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सरकार और अपोजिशन मौजूद है तो ये मुद्दे तो आपको सूट बूट की तरह से बार बार सुनने को मिलते ही रहेंगे। तो यहाँ स्टूडियो में हमारे कार्यक्रम के आखिर में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता संजीव अरोड़ा साहब। संजीव जी, यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरह से आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार की पुण्यतिथि है, इसको बीजेपी महज एक संयोग मान रही है, क्या वाकई में ये एक संयोग है? बिल्कुल, ये एक संयोग है और जैसा कि मैं अभी आपको देख रहा था, सुन रहा था जी, माननीय अभी एक मेरे से पूर्व जो बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में राजनीति शुरू होगी, तो देश में और भी कई समस्याएं हैं, पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन उठाए जाए
ये जो योगा को इतना जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत करी पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, और पूरा विश्व इसको मान रहा है। जब पूरा विश्व इसको मान रहा है तो हमारे ही लोग इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का कि भाई ये राजनीति हो रही है और ये एक स्टंट है, ये कोई स्टंट नहीं है। संजीव जी, ये कहा जा रहा है कि संघ से जोड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ऐसा कह रहा है वो सिर्फ एक है, वो भी कुछ बोलेगा। एक चीज मैं यहाँ पे साफ करना चाहूंगा, एक चीज और साफ करना चाहूंगा। एक मिनट मुकेश जी, हो सकता है जो व्यक्ति ये कह रहा है कि जो संघ में संघ से जो इसको जोड़ रहा है वो राजनीति कर रहे हैं, ना कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, अमरीश जी आपसे पहले सुन लेते हैं, आप क्या क्या कह रहे हैं। कुछ देर पहले बीजेपी के नेता साध्वी प्राची ने जो कहा, उन्होंने पूरे तरीके से जाहिर कर दिया है कि बीजेपी का रुख क्या है। उन्होंने कहा जो इसमें नहीं शामिल होना चाहता है पाकिस्तान चला जाए। पाकिस्तानियों की मानसिकता कौन दर्शा रहा है वो सबको दिख रहा है। तो राजनीति दूसरे पार्टी करने के पहले बीजेपी खुद कर रही है इस पे राजनीति, इस पे हमें बोलने की जरूरत नहीं है। बीजेपी राजनीति बंद करे, गंदी राजनीति, सही मुद्दों पे आए। संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में जाऊंगी। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे राजनीति का भी एक अस्तित्व है, परंतु उससे पहले हम भारतीय हैं और भारत में योग कितना प्राचीन है ये सब हम लोग जानते हैं। जो योग शुरू हुआ वो इस देश से प्रारंभ हुआ और आज पूरा विश्व उसको सलूट मार रहा है और सलूट कर रहा है। और सभी ने 21 तारीख को जो बनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, बड़े भव्य तरीके से मनाया, और हमें भी इसकी खुशी होनी चाहिए, ना कि इसमें अभी ये दलगत राजनीति करनी चाहिए। समाज के लिए, हर वर्ग के लिए योग बहुत अच्छा है। आपको अपने जो फ्यूचर को अगर सिक्योर करना है तो उसको योग अभी से हमने सिखाना है। और योग अगर आप खुद करेंगे, जैसे अगर मैं स्वयं योग करता हूं, मैं इतना हेल्दी होने के बावजूद मैं बिल्कुल एक्टिव हूं, मैं स्वयं गाड़ी चला के यहां तक आया हूं, खुद कार चलाया, सुबह से मैं मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए मैं 15 मिनट सुबह योगा करता हूं और उस योग से मेरे को ये बेनिफिट्स मिलते हैं। मुझे लगता है आपकी इस बात को लालू प्रसाद यादव जी को जरूर सुनाना चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है और कुछ फोटो भी जारी किया है उन्होंने, कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के तोंद निकले हुए, चर्बी निकली हुई है, इस तरीके से लग रहा है कि वो योग के प्रति जो है उनका रुझान नहीं है, वो सही में योग नहीं करते, केवल योग पे राजनीति करते हैं। क्योंकि अगर योग करते वो तो उनका उनकी चर्बी इतनी नहीं निकलती। तो आपकी बात को मैं वहां तक भी पहुंचाऊंगा, बिल्कुल मोटी तोंद के साथ भी जो है आप योग कर सकते हैं। आप मन से तंदुरुस्त हैं, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा अगर आप योग करेंगे। माननीय लालू जी भी अगर करेंगे तो उससे उनको बेनिफिट मिलेगा, उससे वो मानसिक भी और शारीरिक भी तंदुरुस्त होंगे, अच्छी बातें सोचेंगे। अब अमरीश जी के पास फाइनल कमेंट। अमरीश जी, आप बहुत देर से बोल रहे थे कि पत्रकार ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, मैं तो यही कहूंगी कि यार नेताओं को योग करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक संयम, एक मृदभाषी वो योगा से ही बनेंगे, एक संयम आएगा उनके अंदर, संयम की बहुत ज्यादा कमी है नेताओं में। पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिंह राव, ये लोग योगा के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, इन्होंने खुद योगा किया, पर इन्होंने इस पे इस प्रकार के दिखावे नहीं किए हैं। और दूसरे जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, किसानों का मुद्दा हो, आज दाल की कीमत 100 रुपए, मिनिमम 100 रुपए किलो हो गई है, उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो, ललित मोदी वाला जो मामला है जिसमें एक केंद्रीय मंत्री संलिप्त है, उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, जिसपे साध्वी प्राची ने कहा कि नहीं उन्होंने जो किया वो सब समझाया जाए। मुकेश जी, मुकेश जी, अभी मेरे कल की ही बात है, मेरे घर से फोन आया कि आज फादर्स डे है और आप अपने फादर के लिए कुछ लेके आई हैं। क्या फादर्स डे ये हमारा कुछ ऐसा कोई फेस्टिवल है, हमारा कोई ऐसा त्योहार है? ये विदेशों से, वेस्टर्न से कल्चर यहाँ पे आए, तो हमने यहाँ से वेस्टर्न में पहुंचाया है योग दिवस। बिल्कुल, मैं केवल ये योग दिवस तो किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं। जिस तरीके से फायदा, किसको नुकसान हो रहा है, बहुत ही संक्षेप में मुझे लग रहा है जो राजनीति करने से योग का नुकसान हो रहा है, फायदा किसी का नहीं हो रहा है। और योग में भारत ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म को, भारतीय योग को पहुंचा करके एक ख्याति और एक चीज अपने खाते में कर लिया, अगर हम इस तरीके से राजनीति अपने देश में करते रहेंगे तो इसका जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिल पाएगा। और श्रेया, एक चीज और साफ करना चाहूंगा कि अभी हमारे एक मेहमान, नाम मैं भूल रहा हूं, मुर्तजा साहब,
साहब थे, मुकर्रम साहब ने ये कहा कि बाकी योजनाओं की तरह कहीं इस योजना का भी ऐसा ही हर्ष नहीं हो। लेकिन मुझे लगा ये जो योग दिवस है ये योजना नहीं है सरकार की, जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये किया गया है। और मुझे लगता है कल जिस तरीके से जागरूकता के लिए किया गया है वो आगे अगले साल तक भी रहे और हमेशा चलता रहे, इसके लिए ये कोई सरकारी योजना नहीं है जिसको सरकार फॉलो करेगी और सरकार उसको चाहेगी कि लागू हो। ये योजना नहीं है, जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। जी बिल्कुल, तो हम भी यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस योग पर राजनीति करना इतना वाजिब नहीं है और कौन अपने स्वार्थ के लिए इसको आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जो लोग योगा करने के लिए राजपथ पर आए होंगे उन्हें मतलब भी नहीं होगा कौन इस पर क्या सवाल उठा रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने स्वास्थ्य से लेना देना है और वो इसको सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम की तरह ले रहे थे और इसी को करने के लिए वो यहां पर आए थे। लेकिन हमारे देश के राजनेता जो कि कभी भी राजनीति से ऊपर उठकर कुछ भी करना नहीं चाहते। इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने सभी मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े थे संजीव अरोड़ा साहब, नेता बीजेपी, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा प्रवक्ता एनएसयूआई अमरीश रंजन, आपका भी शुक्रिया। और जफर याब जिलानी, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, के अलावा जो भी तमाम मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े उनका शुक्रिया। और मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। अंधेरी रात में एक ऑडी कार में चार लोग जा रहे थे, उनमें एक मंत्री भी था, एक व्यक्ति शहर का जाना माना धन्ना सेठ था, तीसरा व्यक्ति सूबे का सबसे बड़ा ठेकेदार और चौथा व्यक्ति एक बड़ा अफसर था जिसके भ्रष्टाचार के किस्से जगह जगह थे। अचानक ऑडी के सामने आकर एक जीप रुकी, उसमें से तीन लोग पिस्टल तान कर नीचे उतरे। उन्होंने ऑडी को रोककर चारों से बाहर आने को कहा। चारों बाहर आए, उन बदमाश टाइप के लोगों ने कहा, तुम लोग अपना सारा पैसा हमारे हवाले कर दो चुपचाप। चारों ने रौब झाड़ कहा। पहला बोला, मैं मंत्री हूँ। दूसरे ने कहा, मैं सेठ हूँ। तीसरा बोला, मैं ठेकेदार हूँ। चौथे ने कहा, मैं अफसर हूँ। चारों की बात सुनकर बदमाश बोले, अच्छा तो हमारा पैसा हमारे हवाले कर दो चुपचाप।